एक जानलेवा बीमारी है। यह तो आप जानते ही होंगे कि अगर समय रहते कैंसर का इलाज शुरू कर दिया जाए तो उसे पूरी तरह से ठीक किया जा सकता है। तो फ्रेंड्स, मैं हूं निदा और आज मैं आपको बताऊंगी कैंसर क्या होता है, कैंसर के कुछ कारण और इसके लक्षण। चलिए शुरू करते हैं। कैंसर अगर अपनी पहली स्टेज में है तो आसानी से कीमोथेरेपी, लेजर थेरेपी और रेडियोथेरेपी से इसका इलाज कराया जा सकता है। बॉडी में कई तरह के कैंसर हो सकते हैं, जैसे कि मुंह का कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर, सर्वाइकल कैंसर, स्टमक कैंसर और ब्रेन कैंसर। लेकिन अगर कैंसर के लक्षणों का पता नहीं चल पाता है तो आपके लिए कैंसर जानलेवा साबित हो सकता है। कैंसर शरीर के एक हिस्से से दूसरे हिस्से में फैलता है। सबसे पहले शरीर के किसी एक हिस्से में होने वाले कैंसर को प्राइमरी ट्यूमर कहते हैं। इसके बाद बॉडी के दूसरे पार्ट में होने वाला ट्यूमर मेटास्टेटिक या फिर सेकेंडरी कैंसर कहलाता है। तो फ्रेंड्स, कैंसर के कुछ लक्षण ये हैं, जैसे कि नंबर एक, पेशाब और शौच करते समय आने वाला खून। नंबर दो, खून की कमी जिससे एनीमिया हो जाता है, थकान और कमजोरी का महसूस करना। नंबर तीन, तेज बुखार आना और बुखार का ठीक ना होना। नंबर चार, खांसी के दौरान खून आना या फिर लंबे समय तक कफ का आना और कफ के साथ म्यूकस का आना। नंबर पाँच, स्तन यानी के ब्रेस्ट में गांठ का होना और पीरियड्स के दौरान ज्यादा ब्लीडिंग का होना। नंबर छः, कुछ निगलने में दिक्कत का होना या फिर गले में किसी भी तरह की गांठ का होना। नंबर सात, बॉडी के किसी भी पार्ट में गांठ या फिर सूजन का होना। नंबर आठ, स्किन का कलर चेंज होना। नंबर नौ, कैंसर का सबसे बड़ा और अहम कारण है ट्यूमर का बनना। इसके अलावा फ्रेंड्स, कैंसर के कुछ कारण ये हैं, जैसे कि नंबर एक, हमारी बॉडी में 1 से 1000 की संख्या में खराब सेल्स होती हैं और हमारी बॉडी में हर टाइम न्यू सेल्स बनती हैं और जो खराब सेल्स होती हैं वो डिस्ट्रॉय हो जाती हैं। नंबर दो, रेड और वाइट ब्लड सेल्स का संतुलन बिगड़ने के कारण। नंबर तीन, हमारे खाने पीने की बुरी आदतें जैसे शराब और स्मोकिंग के कारण इससे सेल्स के जेनेटिक में बदलाव आने लगता है जिससे बॉडी में कैंसर हो जाता है। नंबर चार, तंबाकू, सिगरेट और शराब के कारण भी कैंसर हो सकता है। इसके अलावा चर्बी बढ़ाने वाले खाने से ज्यादा नमक और ऐसे फूड्स जिन्हें डाइजेस्ट होने में टाइम लगता हो। नंबर पाँच, लेडीज में कैंसर होने का कारण गर्म निरोधक पिल्स का ज्यादा यूज करना है और बच्चे को अपना दूध ना पिलाने के कारण भी लेडीज में कैंसर हो सकता है। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई है तो लाइक कीजिए और हमारे इसी तरह की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए निदा हेल्थ के। थैंक यू।